अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर से आ गई हूँ मैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ जो आपको बहुत ही यूज़फुल लगेगी। तो फ्रेंड्स, खूबसूरत स्किन किसे पसंद नहीं है, चाहे वो औरत हो या मर्द। नए नए प्रोडक्ट इस्तेमाल तो सभी करते हैं, सभी चाहते हैं कि वो सबसे खूबसूरत लगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में कितने केमिकल्स होते हैं, इसलिए आजकल के लोग नेचुरल एंड हर्बल चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। सब होम रेमेडी ढूंढते हैं, उन्हें लगता है कि घर के नेचुरल चीज़ों से ही हमारी स्किन अच्छी और साफ़ सुथरी दिखे। मुल्तानी मिट्टी को दुनिया का सबसे पुराना ब्यूटी प्रोडक्ट कहा जाता है। मुल्तानी मिट्टी स्किन को निखारने के लिए सालों साल से इस्तेमाल किया जा रहा है। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है। मुल्तानी मिट्टी का यूज़ किया जाता है दाग धब्बों को अलग करने के लिए, स्किन को चमकदार बनाने के लिए। लेकिन ड्राई स्किन के लिए मुल्तानी मिट्टी, लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है। उन्हें लगता है कि क्या ड्राई स्किन पे मुल्तानी मिट्टी यूज कर सकते हैं? तो चलिए, आज की वीडियो में मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करने का एकदम सही तरीका बताएंगे। आम तौर पे मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल तो ऑयली स्किन के लिए ही किया जाता है। इसमें ऑयल एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी होती है, वहीं रूखी त्वचा के लिए हेल्पफुल भी हो सकता है। बस इसके लिए आपको मेरे बताए हुए टिप्स का इस्तेमाल करना चाहिए। मुल्तानी मिट्टी त्वचा को निखारने के साथ साथ इसे बहुत ही अच्छा साफ और सुथरा बनाते हैं। इसमें ब्लड सर्कुलेशन में भी सुधार आ सकता है। इसके अलावा इसमें मौजूद पोषक तत्व स्किन को हेल्दी एंड ब्राइट बनाता है। मुल्तानी मिट्टी दाग धब्बों को दूर करता है। मुल्तानी मिट्टी को ड्राई स्किन वाले कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? एक बाउल ले लें, एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी डालें। अब इसमें एक टेबलस्पून शहद डालें और थोड़ा सा पानी ऐड करें और पेस्ट बना लें और फेस पे लगाएं। पैक सूखने के बाद ठंडे पानी से फेस को वॉश कर लें। शहद जो है बहुत ही अच्छा आपके फेस को हाइड्रेट करती है। शहद का इस्तेमाल तो वर्षों से किया जाता है। हफ्ते में एक से दो बार इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। शहद में स्किन को सॉफ्ट करने की बहुत ही प्रॉपर्टी होती है। शहद जो है फेस को हाइड्रेट करता है। चलिए दूसरा टिप्स बताते हैं। एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी में आधा चम्मच चौंदर पाउडर और एक चम्मच शहद और गुलाब जल ऐड करके पेस्ट बना लें और इसे फेस पे लगाएं। मुल्तानी मिट्टी बहुत ही अच्छा नेचुरल प्रोडक्ट है। आप इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से अपने घर में यूज कर सकते हैं। इससे कोई भी नुकसान नहीं होता और ड्राई स्किन वाले इसका इस्तेमाल इस तरीके से करेंगे तो उनकी जो त्वचा होती है उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। मुल्तानी मिट्टी आम तौर से सालों से इस्तेमाल किए जाने वाला प्रोडक्ट है, आप इसका इस्तेमाल करें। चलिए तीसरा टिप्स की तरफ। यहाँ पर एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी में एक चम्मच दही ऐड करें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसे अपने फेस पर लगाएं और फेस पर लगाने के बाद ठंडे पानी से अपने फेस को जब सूख जाए तो इसे वॉश कर लें। तो ये बहुत ही अच्छा टिप्स है। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका चेहरे से दाग धब्बे सब दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। और आप एक चम्मच जो है मुल्तानी मिट्टी ऐड करें, इसमें शहद डालें एक चम्मच और थोड़ी सी हल्दी डालें और फिर पानी ऐड करके इसे मिक्स करके भी आप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी वीडियो आज की। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरा सपोर्ट करें। और फिर से मिलूंगी मैं एक नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी इंशाल्लाह। फिर मिलेंगे, चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।